नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बात करते हैं करनाल की, जहां करनाल की नई अनाज मंडी के समीप चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यालय में DLCC की आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बैठक में आई इंडस्ट्रियल से संबंधित समस्याओं का निवारण भी किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनको मौके पर ही शिकायत दी गई और उन्होंने इन शिकायतों का निवारण किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने मीटिंग के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के DLCC की आम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़ी लगभग 129 के करीब समस्याएं आई, जिनमें से 26 का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। कुछ शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं, जिनमें मोबाइल टावर से आने वाली समस्याओं से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्प है, इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज एरिया में कार्य कर रहे कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने बिजली पानी से संबंधित व पानी की निकासी से संबंधित समस्याएं रखी हैं, जिनको प्रमुखता से लेते हुए 15 दिन के अंदर निवारण करने के दिशा निर्देश संबंध विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। इस मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट अमित गुप्ता के अलावा सभी पदाधिकारी, सदस्य व इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य कर रहे व्यापारी मौजूद रहे। आज जो DLCC की मीटिंग है, क्या कुछ समस्याएं आई हैं, क्या निवारण किया गया? आज DLCC की मीटिंग में कुल 129 विषय रखे गए थे, उसमें 26 जो बिंदु थे उसमें हमने मौके पर निपटान कर दिया। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मोबाइल टावर से संबंधित हैं, उनके लिए जो सभी महकमे उनको हिदायत दी गई है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसको डिस्पोज ऑफ करें, और 10 दिन के बाद जो पेंडिंग केसेस हैं उसके लिए एक अलग से मीटिंग उपायुक्त महोदय द्वारा दी जाएगी। और सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, ग्रीवेंसीज हैं, उनको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर निपटाएँ। इंडस्ट्री द्वारा कुछ सेक्टर की जो ये इंडस्ट्री एरिया है, इसमें कुछ सफाई ना होने की वजह से, पानी ना की निकासी ना होने की वजह से कुछ समस्याएं रखी गई थी, जिसमें मौके पर एक्शन को हिदायत दी गई है कि आज से 15 दिन के अंदर अंदर उनको ये ठीक करवाएंगे और इसकी रिपोर्ट हमारे को भेजेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।